हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ यूकेजी बुक सेट, माय फर्स्ट स्टेप्स विथ कैम्ब्रिज। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक सेट। हमारे स्कूल में भी यही बुक्स यूज़ करते हैं, फिर किंडरगार्टन किड्स और एज वेल एज यहाँ पर आसपास जो कुछ ICSE एंड CBSE स्कूल्स हैं उसमें भी मैंने देखा है ये बुक्स को यूज़ किया जाता है फॉर देयर स्टूडेंट्स। ये NEP अलाइंड है 2020 एंड अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन से सर्टिफाइड है। रिवाइज एडिशन कॉपी है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बुक्स फॉर होम स्कूलिंग, या फिर आप किंडरगार्टन के फॉरेन में रहते हैं एंड यू वांट किंडरगार्टन बुक्स, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस सेट। सो चलिए देखते हैं बुक्स वन बाय वन और यू विल गेट टू नो व्हाट इज द सिलेबस एज वेल। और एक बात बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज आई हैव दीज बुक्स, आई वॉन्टेड टू शेयर देम विथ यू सो दैट आपको आइडिया मिले। सो इसमें बुक्स आती हैं कुछ स्मॉल बुक्स इस तरह की, कुछ स्किल बुक्स एंड कुछ वर्क बुक्स। सो स्किल बुक्स होती है फॉर क्लासरूम यूज़ एंड वर्कबुक होती है फॉर होमवर्क पर्पस। पोस्टर्स भी आती हैं कुछ इस तरह की, बिग पोस्टर्स हैं एंड फ्लैश कार्ड्स। सो लेट्स गो थ्रू द बुक्स वन आफ्टर द अदर। तो लिटरेसी यानी इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एज ए सेट यू विल गेट अ स्किल बुक, वर्क बुक एंड फोनिक स्किल बुक एंड फोनिक रीडर। सो लेट्स गो थ्रू स्किल बुक फर्स्ट। तो स्किल बुक में बेसिकली अगर आप देखो तो बच्चे पहले लेटर रिवीजन करते हैं। सो इंग्लिश के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी पढ़ते हैं। सो लेटर रिवीजन, लेटर साउंड रिवीजन, थ्री लेटर वर्ड्स, देन यू हैव दिस वावल एंड कॉन्सनेंट कॉन्सेप्ट, देन जो वावल की रिवीजन है, वावल साउंड, ए एंड एन आर्टिकल, देन पोजिशन वर्ड्स, यू हैव एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और स्टिकर एक्टिविटीज़ हैं थ्रू आउट द बुक। स्टिकर्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द बुक। तो इस तरह से ईज, एम, आर, वन एंड मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्रैक्टिस वर्कशीट्स के साथ सभी टॉपिक्स अवेलेबल है। दिस एंड दैट, मेकिंग पेयर्स, ऑपोजिट वर्ड्स, देन यू हैव रीडिंग पर्पज के लिए पिक्चर रीडिंग, सेंटेंस रीडिंग, इस तरह से। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स, येस और नो क्वेश्चन एज वेल, दीज आर द टॉपिक्स। देन यू हैव सिमिलर टॉपिक्स इन वर्क बुक, क्योंकि स्किल बुक क्लास वर्क के लिए है एंड वर्क बुक इज फॉर होमवर्क। जो भी क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं वो उनको होमवर्क भी मिलता है थ्रू दिस बुक। सो अगेन एज यू सी हियर, लेटर रिविजन, CBSE वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स रिविजन, ए एन एंड जो आर्टिकल्स हैं उसकी रिविजन, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये सभी चीज़ें बच्चे को घर पे करनी होती है यूजिंग दिस बुक हियर। सो दीज, दोज, ऑपोजिट्स, इस तरह से पिक्चर रीडिंग, क्वेश्चन वर्ड, येस और नो क्वेश्चन, डेज ऑफ द वीक, देन थ्री लेटर वर्ड्स, वावल साउंड्स को रिवाइज करने के लिए। तो दिस इज द वर्कबुक। ब्लेंड्स की भी वर्कशीट है, बट बेसिकली फोनिक्स के लिए यहाँ पर है फोनिक स्किल बुक एंड फोनिक रीडर। सो फोनिक स्किल बुक में अगर आप देखो तो पहले तो थ्री लेटर वर्ड्स रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स बच्चे LKG में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में रिवीजन करवाया जाता है। दे'ल टीच देम टू ब्लेंड एंड रीड थ्री लेटर वर्ड्स, देन राइमिंग वर्ड्स, यू हैव लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स, लॉन्ग ई, बेसिकली जो लॉन्ग वावल साउंड वर्ड्स है वो वाले हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं, देन यू हैव ओ साउंड वर्ड्स, देन ब्लेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, BR, CR जो बिगनिंग ब्लेंड्स होती हैं वो, लेटर आर ब्लेंड, लेटर एल ब्लेंड, देन यू हैव डाइग्राफ्स, SSNLL डबल कॉन्सनेंट वर्ड्स, डिफरेंट साउंड्स ऑफ OI एंड OY, डिफरेंट साउंड्स ऑफ ओ, बेसिकली जो डिप्थोंग्स होते हैं वो OI एंड OY। तो इस तरह से दिस इज द फोनिक स्किल बुक एंड यू हैव फोनिक रीडर। फोनिक रीडर में बच्चे को रीडिंग सिखाया जाता है। सो बिग इलस्ट्रेशन के साथ दे हैव सेंटेंसेस टू रीड। इसमें सिंपल सेंटेंसेस है दैट चिल्ड्रंस कैन डीकोड एंड रीड। तो इस तरह से दिया गया है, लॉन्ग ए रिलेटेड सेंटेंस यानी लॉन्ग वावल साउंड रिलेटेड सेंटेंस, लॉन्ग ई, लॉन्ग ओ, तो ये रीडर है। सो दिस वॉज फॉर लिटरेसी। तो न्यूमेरेसी यानी मैथ की स्किल बुक ये है, जिसमें बच्चे नंबर्स सीखते हैं। सो पहले तो बुक स्टार्ट होती है विद प्री मैथ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखो तो लेफ्ट, राइट, ओपन, क्लोज, अप, डाउन, ये सारी प्री मैथ कॉन्सेप्ट होती है जो बच्चे बेसिकली मैथ में नंबर्स से पहले सीखते हैं। ये टर्मिनोलॉजी होती है, हाई, लो, बिग, बिगर, बिगेस्ट,
ये टर्मिनोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही बच्चे को जो है ना नंबर राइटिंग, नंबर नेम्स वगैरह सिखाया जाता है। तो नंबर राइटिंग, इफ यू सी दीज आर द वर्कशीट्स 1 to 20 नंबर नेम्स के लिए, देन नंबर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यू हैव वर्कशीट्स इस तरह से, ऑर्डिनल नंबर्स, देन बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स के लिए ये वर्कशीट है, एंड दिस इज द प्रैक्टिस वर्क। देन यू हैव इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके रिलेटेड ये वर्कशीट है। इंक्रीजिंग ग्रेटर देन लेस देन प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली वर्कशीट्स हैं। देन यू हैव शेप्स, देन पैटर्न्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है वो, एंड स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग 2, 5, देन यू हैव स्किप काउंटिंग 10, टेंस एंड वंस कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट एडिशन, पिक्चर एडिशन, नंबर एडिशन, काउंट एंड एडिशन, तो ये सारी कॉन्सेप्ट फॉर एडिशन। देन यू हैव सब्ट्रैक्शन टॉपिक एज वेल, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यू सी यू हैव नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन, यू हैव पिक्चर सब्ट्रैक्शन इस तरह से, देन यू हैव वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। तो ये है स्किल बुक, न्यूमरेसी स्किल बुक, देन यू हैव दिस वर्क बुक, न्यूमरेसी वर्क बुक, तो दिस इज फॉर होमवर्क। तो सेम टॉपिक जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं वही चीज़ उनको होमवर्क इस बुक के थ्रू मिलती है। सो ये सारी प्री मैथ कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन यू हैव द मेन नंबर राइटिंग, काउंटिंग, नंबर राइटिंग, नंबर नेम्स, देन यू हैव दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो, बिफोर आफ्टर, लेस देन इक्वल टू, शेप्स इस तरह से, एडिशन के रिलेटेड टेंस एंड वंस, देन यू हैव एडिशन रिलेटेड, हियर यू हैव स्किप काउंटिंग रिलेटेड वर्कशीट, तो इस तरह से ये सारी वर्कशीट प्रेजेंट है फॉर प्रैक्टिसिंग। सो दिस वॉज फॉर न्यूमरेसी मैथ। नेक्स्ट यू हैव दिस अवेयरनेस स्किल बुक, जो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट होता है उसके रिलेटेड ये बुक है। इसमें तो बच्चे बहुत सारी टॉपिक्स सीखते हैं, और इस बुक के थ्रू, इस सब्जेक्ट के थ्रू बच्चे वोकैबलरी वर्ड्स बहुत सारे सीखते हैं, लाइक माई बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, फैमिली, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ क्लीन, बेसिक मैनर्स जो होते हैं वो, देन यू हैव पार्ट्स ऑफ हाउस, माई स्कूल, कंप्यूटर, एनिमल्स, लिविंग इन हॉट रीजन्स, कोल्ड रीजन्स, देन यू हैव स्टिकर एक्टिविटीज, पार्ट्स ऑफ ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, वेजिटेबल्स, देन यू हैव फ्रूट्स, फ्लावर्स, फूड, हेल्दी फूड एंड जंक फूड, व्हीकल्स, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक लाइट्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, देन यू हैव गुड हैबिट्स, मैजिक वर्ड्स, सेविंग वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, एनवायरमेंट, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट, कलर्स, प्लेसेस इन योर नेबरहुड, तो ये सारी टॉपिक्स बच्चे इस सब्जेक्ट के थ्रू सीखते हैं। तो ह्यूज वोकैबलरी बच्चे इस सब्जेक्ट के साथ सीखते हैं। देन यू हैव दिस बुक ऑफ वेलनेस, बुक ऑफ वेलनेस के थ्रू बच्चे जो है ना सोशियो इमोशनल लर्निंग एंड हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स सीखते हैं। वो क्या होती हैं, लाइक दीज फीलिंग्स, अबाउट फीलिंग्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स होती हैं, एंगर, मैनेजिंग एंगर, हाउ डू यू मैनेज योर एंगर इस तरह से, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेफ, गुड टच बैड टच जो होता है वो, रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, हाउ एवरी वन इज़ डिफरेंट, हाउ एवरी वन हैव देयर ओन चॉइसेस, देयर ओन प्रेफरेंसेस, ये समझाने के लिए, देन केयरिंग इज शेयरिंग दिस वन इस तरह से, बॉडी मूवमेंट्स, हाउ डू यू ग्रो है ना वो वाले बॉडी मूवमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें बच्चे इस बुक ऑफ वेलनेस के थ्रू सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव दिस कर्सिव राइटिंग बुक, कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए, देन यू हैव आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, देन यू हैव टू मोर स्मॉल बुक्स, लाइक दिस इज अ राइम्स बुक, UKG राइम्स बुक, एंड यू हैव दिस पेरेंट्स हैंड बुक, जिसमें आपको समझाया गया है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना होता है, द माइल स्टोन्स दैट योर चाइल्ड नीड्स टू मीट। अपार्ट फ्रॉम बुक्स यू गेट दिस बिग साइज ऑफ पोस्टर्स, दिस इज़ द साउंड चार्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स जो बच्चे सीखते हैं, सो यू कैन पुट दिस ऑन द वॉल, एंड यू हैव लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स,
जो बच्चे को आनी चाहिए बिफोर गोइंग टू क्लास वन, सो दैट उनको रीडिंग आए. साइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गेम चेंजर होती है. डेफिनेटली बच्चे को साइट वर्ड सिखाए सो दैट दे कैन अटेंड फ्लुएंसी फॉर रीडिंग. देन यू हैव दिस मैजिक वर्ड्स पोस्टर एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लैश कार्ड्स आती हैं. अभी मेरे पास फ्लैश कार्ड्स नहीं है, बट दिस इज द साइज ऑफ द फ्लैश कार्ड जो बच्चों को मिलती हैं इन बुक्स के साथ. सो ये सारी बुक्स आती हैं इस बुक सेट में. स्मॉलर बुक्स हैं, वर्क बुक्स हैं एंड स्किल बुक्स हैं. सो इफ़ यू आर होम स्कूलिंग और बच्चों के लिए आप किताबें देख रहे हैं पढ़ाने के लिए, और अगर आप फॉरेन में रहते हैं एंड यू नीड बुक्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बुक्स, क्योंकि ये बुक्स बहुत सारी स्कूल्स में, CBSE, ICSE सभी में ये बुक्स यूज़ होती हैं. याद रखें किंडरगार्टन का कोई बोर्ड नहीं होता, सभी बच्चे सेम सिलेबस पढ़ते हैं. ओनली थिंग इज दे शुड बी अलाइंड विथ NEP 2020. सो यू कैन गो फॉर दीज बुक्स, चाहे वो LKG हो या UKG हो, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इन बुक्स का, ज़रूर चेक करें इफ़ यू आर इन नीड ऑफ एनी बुक्स. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़.